स्टार्टिंग विथ कैपिटल गेंस बेटा हर हेड जो है बेसिस ऑफ चार्ज से चालू होता है सैलरी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हाउस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग अपर्टनेंट लैंड होना चाहिए ओनर होना चाहिए एंड वो वाला कंडीशन अदर सोर्सेज में इनकम वन टू फोर एड्स में फॉल नहीं होना चाहिए एग्जेम नहीं होना चाहिए एक्जैक्टली exactly वैसे ही बेसिस ऑफ चार्ज फॉर कैपिटल गेंसेज देर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट देर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट ट्रांसफर पे देर शुड बी प्रॉफिट और गेंस एंड सच प्रॉफिट एंड गेन्स मस्ट नॉट बी एक्सप्ट से रिपीट करो देस ऑन सच ट्रांसफर एंड सच कैपिटल गेन्स मस्ट नॉट बी एग्जेप्ट अब बेटा ये चैप्टर का सबसे थम रूल है योट इज इक्वल टू यॉट बराबर है ज इक्वल टू यॉट का मतलब है इयर ऑफ टैक्सेशन विल बी इक्वल टू ईयर ऑफ ट्रांसफर ईयर ऑफ टैक्सेशन विवल टू ईयर ऑफ ट्रांसफर तो अगर सपोज मैंने प्रॉपर्टी बेचा है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में कस्टमर ने मुझे पैसा दिया है सपोज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में बट मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर दैट इज ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में सो चार कंडीशन है कंडीशन नंबर वन कैपिटल एसेट होना चाहिए कंडीशन नंबर टू ट्रांसफर होना चाहिए कंडीशन नंबर थ्री कैपिटल गेंस होना चाहिए और वो कैपिटल गेंस एक्सम नहीं होना चाहिए अगर सारी कंडीशन टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टेक्स प्लेस दैट इज इज इक्वल टू यॉट बेटा ये जो गोल्डन रूल है बराबर है ये जो गोल्डन रूल है वो सिर्फ चार जगह पे चेंज होता है जो अपन आगे पढ़ लेंगे बट ओनली दिस नॉर्मली यॉर्ट इज इक्वल टू यॉट बट चार जगह पे रूल चेंज हो जाएगा बराबर है अब सर

कैपिटल गेन का बेनिफिट नॉर्मली बेटा इंडिया में कैपिटल गेन पे लोअर टैक्स एज कंपेयर टू स्लैब रेट्स तो यहाँ पे जैसे इक्विटी शेयर में फ्लैट टेन परसेंट है शॉर्ट टर्म में फ्लैट फिफ्टीन परसेंट है तो इसके लिए जब इनिशियली प्रॉब्लम हुआ था तो एफ को बेनिफिट देने के लिए बोला कि जो भी सिक्योरिटीज अगर एफ होल्ड करते हैं एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी

ओनली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसके रूल्स अलग है बेटा अगर ओनली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो टैक्सेबल हो जाता है तो जैसे म्यूचुअल फंड टैक्सेबल है जैसे इक्विटी शेयर टैक्सेबल है वैसे यूलिप भी टैक्सेबल होना चाहिए एज पर द लॉ अब यूलिप अगर टैक्सेबल होना चाहिए तो बेटा यूलिप टैक्सेबल कैसे करे तो गवर्नमेंट बोलता है कि पहले जो यूलिप था वो एक्सम था अभी यूलिप टैक्सेबल हो गया है तो टैक्सेबल हो गया है तो लोग बवाल कर देंगे कि यार पहले तो एक्सम था अभी टैक्सेबल क्यों किया तो अगर यूलिप का प्रीमियम आप टू लैख फिफ्टी थाउजेंड जितना पे कर रहे हो तो वह एक्समटी है अगर यूलिप का प्रीमियम टू लैख फिफ्टी को क्रॉस कर रहा है देन इट इज टैक्सेबल देन इट इज टैक्सेबल सो वॉट डू मीन बाई कैपिटल एसेट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल काइंड मूवेबल इमूवेबल टैंजिबल इनटेंजिबल सिक्योरिटीज हेल्ड बाई एफ आई आई यूनिट ऑफ यूलिप अगर प्रीमियम टू लैस फिफ्टी के ऊपर है तो अगर यूलिप का प्रीमियम लेस देन टू लैख फिफ्टी है तो इट विल बी नॉट टैक्सेबल कैपिटल एसेट में गवर्नमेंट बोलता है जी मास कैपिटल एसेट नहीं है जी मास कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेंस नहीं आएगा जी मतलब गोल्ड डिपॉजिट और गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड्स गोल्ड डिपॉजिट और गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट के स्कीम में इशू किया है दैट इज गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 99 और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट एम मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी अगर पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है तो घर का एसी टीवी फ्रिज लैपटॉप कार बेची तो कैपिटल गेंस नहीं आएगा बेटा ऑफिस का एसी टीवी फ्रिज लैपटॉप कार बेचा तो कैपिटल गेंस आएगा सो पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट अ कैपिटल एसेट प्लीज अंडरस्टैंड पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट अ कैपिटल एसेट तो पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कैपिटल एसेट है कैपिटल गेन आएगा सो so, घर बेचा तो कैपिटल गेन्स आएगा घर का टीवी एसी फ्रिज बेचा तो कैपिटल गेन्स नहीं आएगा ए मीन्स रूरल एग्रीकल्चरल लैंड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड सो रूर अगेन दो कंडीशन है बेटा लैंड रूरल एरिया में होना चाहिए और एग्रीकल्चर के लिए यूज होना चाहिए एग्रीकल्चर का मतलब है कि आपको मिनिमम टू बिफोर सेल यूज करना है एग्रीकल्चर ऑपरेशन so, अगर मैं और मेरे फैमिली मेंबर कोई भी लैंड को एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए यूज करें फॉर मिनिमम इयर्स बिफोर ट्रांसफर तो वो एग्रीकल्चर लैंड हो गया अब एग्रीकल्चर लैंड अगर मुंसिपालिटी के बाहर है सर मुंसिपालिटी मतलब ऐसा एरिया जिसका पॉपुलेशन टेन थाउजेंड के ऊपर है सो so, अगर आपकी जमीन मुंसिपल एरिया के अंदर है और अगर उससे टू किलोमीटर के रेंज में है तो बेटा वो अर्बन लैंड हो गई दो कंडीशन है पहला कंडीशन है कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड तो एग्रीकल्चर मींस बिफोर ट्रांसफर एटलीस्ट टू अपने को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करना है रूरल एरिया मींस एन एर एरिया विच इज आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ म्यूनसिपालिटी तो अगर ये म्यूनसिपालिटी वाला एरिया है तो यहां से टू किलोमीटर की जमीन अर्बन लैंड है और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जिसका पॉपुलेशन मोर देन वन लाख है तो वो एरिया प्लस उसके आजू बाजू वाली सिक्स किलोमीटर की जमीन हो गई अर्बन लैंड अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जिसका पॉपुलेशन मोर देन टेन लाख है तो वो एरिया प्लस एट किलोमीटर की जमीन हो गई अर्बन लैंड सो तो बेटा मुंबई का पॉपुलेशन टेन लाख के ऊपर है तो मुंबई की जमीन प्लस मुंबई के रेडियस की एट किलोमीटर वाली जमीन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो कैपिटल गेंस आएगा अगर ये जमीन मुंबई के 20 किलोमीटर बियॉन्ड होती सॉरी एट किलोमीटर बियॉन्ड होती तो वो रूरल बन जाती सो so, वो रूरल बन जाएगी सो so, जी मास पे कैपिटल गेन्स नहीं आने वाला है जी मीन्स गोल्ड डिपॉजिट और गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड एम मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी ए फॉर एग्रीकल्चर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड एस फॉर प्रॉपर्टी हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड बिकॉज स्टॉक इन ट्रेड अगर मेरे घर पे ज्वेलरी है है बेटा तो वो कैपिटल में में जाएगा मेरे दुकान में ज्वेलरी ज्वेलरी सो मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है और मेरे दुकान में ज्वेलरी पड़ी हुई है तो वो किधर जाएगा पीजीबीपी में जाएगा सो so, जो ज्वेलरी स्टॉक इन ट्रेड है दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट कैपिटल गेन्स नहीं आएगा एंड स्पेशल बेर बॉन्ड्स एंड क्या बोला स्पेशल बेर बॉन्ड्स बराबर है सो so फाइन मैं रिपीट कर रहा हूं जी मास पे कैपिटल गेंस आने वाला नहीं है हाउएवर पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेंस नहीं आता है बट पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी अगर जेडी पसा हुई तो कैपिटल गेंस आएगा पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेंस नहीं आएगा बट अगर जेडी पसाए तो कैपिटल गेंस आएगा जे फॉर ज्वेलरी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ड्रॉइंग्स पेंटिंग्स कल्पर और एनी वर्क ऑफ आर्ट बराबर है सो अगेन पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन्स नहीं आता है बट जेडी पसा हुआ तो कैपिटल गेन्स आएगा ज्वेलरी ड्रॉइंग्स पेंटिंग आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन आर्ट ओके नाउ फर्स्ट कंडीशन था कैपिटल एसेट होना चाहिए सेकेंड कंडीशन था ट्रांसफर होना चाहिए सो so बेटा ट्रांसफर में क्या क्या इंक्लूड होता है सरक इंक्लूड होता है और ट्रांसफर में पागल सीएस एक्सक्लूड होता है

एफआईआई का सिक्योरिटीज भी कैपिटल एसेट है और अगर यूलिप के यूनिट तो है तो है, आएगा Gmask में आता है, उस पे capital gains नहीं आएगा। बट जेडी पसा अगर हुआ तो आएगा सिमिलरली ट्रांसफर इंक्लूड मतलब अगर आपने कैपिटल एसेट को सेल एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट एक्सटिंग्विशमेंट कंपलसरी एक्विजिशन और कन्वर्जन किया है तो कैपिटल गेंस आने वाला है नहीं तो आने वाला नहीं है पागल सीएस पे कैपिटल गेंस नहीं आने वाला है सर पागल सीएस क्या होता है पढ़ लेंगे आगे बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज रिमेंबर आपको शॉर्ट टर्म पे कैपिटल गेंस और कंप्यूटेशन दोनों अलग अलग है लॉन्ग टर्म के टैक्स कंप्यूटेशन और उसका रेट अलग अलग है तो बिफोर मूविंग अहेड अगर आपके पास कैपिटल एसेट है ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल गेंस है तो वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है कैसे मालूम पड़ेगा अगर आपने एसेट को मोर देन थर्टी सिक्स मंथ होल्ड किया है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा एसेट को मोर देन थर्टी सिक्स मंथ होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा बराबर है हाउएवर गवर्नमेंट बोलता है कि कुछ ऐसे एसेट है एसे जो नॉर्मली लोग इतना ज्यादा होल्ड नहीं करते जिसको अपन शूज बोलेंगे शूज मतलब लिस्टेड शेयर्स बेटा लिस्टेड वर्ड लिखा है अनलिस्टेड शेयर हुआ तो इधर नहीं आने वाला है लिस्टेड सिक्योरिटीज सर अनलिस्टेड सिक्योरिटी हुआ तो अनलिस्टेड सिक्योरिटी के लिए थर्टी सिक्योरिटी है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी ट्वेल्व मंथ लिस्टेड शेयर है तो ट्वेल्व मंथ अनलिस्टेड सिक्योरिटी है तो थर्टी सिक्स मंथ यूनिट्स ऑफ यूटीआई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स ऑफ यूलिप रिपीट करो यूनिट्स ऑफ यूटीआई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ यूलिप ये सब का पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी 12 मंथ्स 12 महीने से ज्यादा होल्ड करोगे लॉन्ग टर्म हो जाएगा 12 महीने से कम होल्ड करोगे शॉर्ट टर्म हो जाएगा नॉर्मल एसेट के लिए थर्टी सिक्स मंथ के लिए ट्वेल्व है लिस्टेड लिस्टेड सिक्योरिटीज यूनिट्स ऑफ यूटीआई यूनिट्स ऑफ क्या पढ़ा है यूटीआई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड बेटा प्लीज अंडरस्टैंड अगर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है सो द पीरियड विल बी थर्टी सिक्स मंथस अनलिस्टेड सिक्योरिटी है तो थर्टी सिक्स मंथस जेडी पस आए ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन सब के लिए थर्टी सिक्स मंथस है सर लिस्टेड शेयर ट्वेल्व मंथस है तो अनलिस्टेड शेयर कितना होगा ट्वेंटी फोर मंथस इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्वेंटी फोर मंथ्स बराबर है सो नॉर्मली थर्टी सिक्स मंथस है बट इज में ट्वेंटी फोर मंथस होगा शूज में ट्वेल्व मंथस था इज में ट्वेंटी फोर मंथस है ऑल अदर्स में थर्टी सिक्स इज मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी बराबर है सो लिस्टेड शेयर ट्वेल्व मंथ अनलिस्टेड शेयर ट्वेंटी फोर मंथ लिस्टेड सिक्योरिटीज ट्वेल्व मंथ अनलिस्टेड सिक्योरिटी थर्टी सिक्स मंथ्स Units of equity-oriented units, twelve months. Units of debt-oriented units, thirty-six months. I hope it's now point clear. Comment, Karo, please. Okay. अब सर कैपिटल गेंस कंप्यूट करने का कोई फॉर्मेट है क्या बेटा ये फॉर्मेट फिक्स है फॉर्मेट मैंने नहीं बनाया हुआ है आईसीए ने नहीं, नहीं बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना के दिया जस्ट यू हैव टू फॉलो इट कैपिटल गेंस कैसे कंप्यूट करना है एफवीओसी माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस विल गिव मी नेट कंसीडरेशन बेटा माइक ऑफ करके बोलते रहो बट प्लीज घर पे बैठ के रिपीट करना घर वाले को आवाज आना चाहिए क्या फॉर्मेट है एफवीओसी माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस विल गिव मी नेट कंसीडरेशन माइनस सीओए ए या तो आईसीओए माइनस सीओआई आई या तो आईसीओआई आई गिव मी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फॉर्मेट रिपीट कराओ एफ सी माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस विल गिव मी नेट कंसीडरेशन माइनस सीओए ए या तो आईसीओए सीओआई आई या तो आईसीओआई आई लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स सीओ ए मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सीओ आई मतलब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स आईसीओ मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बेटा प्लीज आंसर देना फॉर मतलब अपने आप अप घर पे बोल दो चलेगा फॉर्मैट फिक्स है या चेंज होता रहेगा फॉर्मैट इज ऑलवेज सर फॉर्मेट क्या है एफ वी ओ सी माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस विल गिव मी नेट कंसिडरेशन एफईओसी का मीनिंग है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बराबर है बेटा सिंपल लैंग्वेज में एफईसी का मतलब है सेलिंग प्राइस एफ का मतलब है सेलिंग प्राइस सिंपल सिंपल क्वेश्चन है मैंने अपना गोल्ड बेचा सामने वाले ने मुझे फिफ्टी लाख रुपीज दिया तो एफईसी विल बी फिफ्टी लैख्स So, अगर जो अमाउंट रिसीव्ड है कंसीडरेशन रिसीव्ड है वो मनी है तो एफ विल बी मनी जितना रिसीव हुआ उतना फिफ्टी तो फिफ्टी फोर्टी तो फोर्टी सर मैंने अगर अपना गोल्ड बेचा और सामने वाले ने मुझे घर दिया बराबर है या या रिवर्स लेता हूं जस्ट फॉर इजी रेफरेंस घर बेचा और सामने वाले ने मेरे को गोल्ड दिया तो अगर एक्सचेंज हो रहा है तो इन दैट केस जो गोल्ड आ रहा है उसका वैल्यू विल बी एफ सी फ वी ओसी विल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव अगर मनी मिला तो जो मनी आया उसका वैल्यू गोल्ड मिला तो जो गोल्ड आया उसका वैल्यू बेटा अगर गोल्ड का वैल्यू नहीं पता है हाइपोथेटिकली तो इन दैट केस जो घर जा रहा है उसका वैल्यू अपने को लेना है सो एफ वी ओसी मीन्स वॉट सेलिंग प्राइस अगर मनी मिला तो अमाउंट रिसीव अगर एसेट मिला तो एफ एम बी ऑफ एसेट रिसीव अगर एसेट का वैल्यू नहीं पता है तो जो जा रहा है उसका वैल्यू लेना है हावेवर गवर्नमेंट बोलता है कि नीरज जब भी घर बेचेगा बेटा अदर सोर्सेज में पढ़ा था तब रेसिपियंट व्यू से पढ़ा था कि जब भी तुम खरीद रहे हो तो क्या होगा यहां पे जब भी आप घर बेचोगे तो क्या होगा प्लीज कमेंट करना सेम रूल है ये सेकेंड सिचुएशन पे ध्यान दो सेकेंड सिचुएशन मैंने एक करोड़ में घर बेचा है स्टैंप अथॉरिटी बोलता है नहीं सर घर का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एटी लैक्स है तो बेटा अपन ने घर ज्यादा महंगे में बेचा है तो कोई फ्रॉड नहीं है अपना वैल्यू इज करेक्ट वन करोड़ वन करोड़ में मैंने घर बेचा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बोलता है एटी लाख तो अपना वैल्यू ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा भरेंगे तो क्या प्रॉब्लम है बेटा मैंने घर बेचा है एक करोड़ में स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटी बोलता है वन करोड़ थ्री लाख का वैल्यू है वन करोड़ थ्री लाख का वैल्यू है तो वैल्यू ऑफ स्टैंप अथॉरिटी इज हायर बट बेटा मेरे वैल्यू और स्टैंप अथॉरिटी के वैल्यू का डिफरेंस अपन परसेंट वन करोड़ का टेन परसेंट मतलब थ्री लैख का है तो कोई फ्रॉड नहीं है अपना वैल्यूएशन राइट है वापस से बोल रहा हूं मैंने एक करोड़ में घर बेचा है अथॉरिटी बोलता है नहीं वन करोड़ ट्वेंटी फाइव लैख स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है तो बेटा डिफरेंस टेन परसेंट से ज्यादा है इसके लिए स्टैंप अथॉरिटी विल बी एफवीओसी सो इज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन अगर आपने घर बेचा है पैसा आया तो जितना पैसा आ रहा है उतना अगर पैसा घर बेचा गोल्ड आया तो गोल्ड आया उसका वैल्यू लेना है अगर गोल्ड का वैल्यू नहीं है तो जो घर जा रहा है उसका वैल्यू लेना है हाउ एवर इन केस ऑफ सेल ऑफ इमुबल प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर आपसे कम है तो कोई फ्रॉड नहीं है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपके वैल्यू से ज्यादा है और डिफरेंस भी टेन से ज्यादा है देन आपका वैल्यू इग्नोर हो जाएगा एंड वैल्यू विल बी कंसिडर्ड ऑफ स्टैंप अथॉरिटी बराबर है लास्ट वाले सिचुएशन में मेरा सेलिंग प्राइस कितना था हंड्रेड स्टैंप अथॉरिटी बोलते हैं नहीं सर इसका वैल्यू है अगर हंड्रेड में बेचा है अथॉरिटी वन फोर्टी बोलता है डिफरेंस टेन परसेंट से ज्यादा है तो आंसर विल बी वन फोर्टी आंसर विल बी वन फोर्टी अब मैं बोल रहा हूं कि सर मुझे 140 मिला ही नहीं तो मैं टैक्स 140 पे क्यों भरू तो अगर आपको स्टैंप अथॉरिटी के वैल्यू में प्रॉब्लम है तो आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकते हो अगर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गए तो बेटा अपना वैल्यू हंड्रेड तो भूल जाओ प्लीज वहां पे वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाके मत सोचना टेन परसेंट मोर देन लेस देन अपना वैल्यूएशन भूल जाओ अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने आपके फेवर में जजमेंट दिया है तो वो करेक्ट है तो स्टैंप अथॉरिटी ने 140 बोला था वैल्यूएशन ऑफिसर 120 बोल रहा है तो आंसर विल बी 120 ट्वेंटी बट अगर स्टैंप अथॉरिटी 140 था वैल्यूएशन ऑफिसर 190 बोल रहा है ज्यादा वैल्यू बोल रहा है तो वैल्यू विल बी स्टैंप अथॉरिटी का वैल्यू विच इज 140 मैं फॉर्मेट पढ़ा रहा हूं फॉर्मेट था एफ माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस सर एफ मतलब सेलिंग प्राइस मनी मिला तो अमाउंट रिसीव एसेट आया तो जो आ रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू उसका वैल्यू नहीं पता है तो जो जा रहा है उसका वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी में टेन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मोर देन हंड्रेड एंड टेन परसेंट है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विल बी द आंसर बट यू कैन रेफर द केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर वो केस में विच एवर इज लोअर हो जाएगा ये अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर है मतलब अगर आपके पास प्राइवेट कंपनी के इक्विटी शेयर है तो जब आप बेचोगे एफईसी विल बी सेलिंग प्राइस और द फेयर मार्केट वैल्यू एफईसी प्राइस और द फेयर मार्केट वैल्यू बराबर है तो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट फुल वैल्यू ऑफ मनी है तो मनी एसेट है तो एसेट का वैल्यू वो नहीं है तो जो जा रहा है उसका वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर में सिर्फ आपको हायर वैल्यू लेना है सेलिंग प्राइस और स्टैंप ड्यूटी यहां पे सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू सर फॉर्मेट क्या था एफ सी माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस ट्रांसफर एक्सपेंस मतलब जो भी खर्चा एसेट बेचने के लिए किया है ब्रोकरेज पे किया कमीशन दिया कोई भी खर्चा किया बिंद माइनस करो सिर्फ एक खर्चा माइनस नहीं होने वाला है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सिर्फ एक खर्चा माइनस नहीं होने वाला है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बराबर है बेटा एक्टिव रहेगे तो बोलना प्लीज बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर मैंने ये बोला था सी बर्फी के अंदर कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एंड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज अलाउड एज डिडक्शन सो अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं शेयर में तो एस टी टी सी टी टी का डिडक्शन मिलेगा बट अगर ट्रेड नहीं कर रहा हूं सुन रहे हो क्या अच्छा ठीक है अगर मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं मैंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है देन इन दैट केस इट विल नॉट बी अलाउड दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स विल नॉट बी अलाउड बराबर है विल गिव मी नेट कंसिडरेशन है तो माइनस करके आ जाएगा माइनस सी ओ ए और आईसीओ ए सर सी ओ ए का फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिंपल मीनिंग है परचेस प्राइस प्लस एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज सिंपल मीनिंग है परचेस प्राइस प्लस एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज सर गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर 2001 के पहले का एसेट है तो यार वो हिस्टोरिकल डेटा हो गया हम लोग जो इंडेक्सेशन है 2001 के बाद से लेते हैं तो अगर आपने कोई भी एसेट घर खरीदा बॉन्ड खरीदा व्हाटएवर अगर आपने 2001 से पहले लिया है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 और एक्चुअल प्राइस जो भी हायर है वो आपके लिए सीओए बन जाएगा तो सीओए विल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 14 2001 और एक्चुअल परचेस प्राइस व्हिच एवर इज हायर बट बेटा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फेयर मार्केट वैल्यू

प्लीज कमेंट करना कमेंट मतलब ऐसे अपने घर पे बोल दो बेटा बोनस शेयर्स के केस में कॉस्ट इज जीरो बिकॉज कंपनी से अपने को फ्री में मिलता है बट अगर बोनस शेयर 2001 के पहले का है तो विच एवर इज हायर करोगे तो हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू ही हायर आएगा सो इन केस ऑफ बोनस शेयर बिफोर वन फोर टू थाउजेंड वन फेयर मार्केट वैल्यू ऑन और आफ्टर वन फोर टू थाउजेंड वन इट विल बी जीरो इट विल बी जीरो राइट शेयर्स राइट शेयर बेटा हमेशा राइट्स में दो पार्टी होगी फिक्स एकदम एक होएगा रिनाउंसर एक होएगा रिनाउंस एक हो रिनाउंस बेटा रिनाउंसर नीरज है और सपोज मेरा दोस्त है बराबर है मेरे को कंपनी का ऑफर आया कि सर आपके पास हमारे दस हजार शेयर पड़े हुए हैं हम लोग कंपनी क्या कर रही है आपको पांच हजार शेयर का ऑफर दे रही है एट द रेट ऑफ वन ट्वेंटी पर शेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर चल रहा है 180 मैं एक चाहिए क्या 120 में दे रहे और बेटा मैंने ये पांच शेयर अपने पास रख लिया है तो मेरे को कंपनी ने राइट्स दिया था मैंने राइट्स एक्सरसाइज कर लिया तो राइट्स एक्सरसाइज किया मतलब शेयर्स आ रहा है तो सीओ ए विल बी 120 ट्वेंटी जब भी भी फ्यूचर में बेचूंगा उस उसको प्रॉफिट निकालूंगा जब राइट ले रहा हूं तब टैक्स नहीं आता है जो भी परचेज प्राइस है वो आपके लिए COA बन जाएगा मैंने क्या किया मैंने तीन हजार शेयर्स रख लिया अपने पास और मैंने वन ट्वेंटी कंपनी को दे दिया और जो 2000 शेयर्स था मेरे दोस्त को बेटा ये शेयर था पांच साल से वो बोलता है नीरज 150 का भाव आएगा तब लूंगा ये 180 के नीचे आता ही नहीं है 150 पे लूंगा अब मैंने इसको फोन किया मैंने बोला यार तेरे को ये शेयर्स 150 में चाहिए था ना मैं तेरे को 140 में दिलाता हूं बोलता है कैसे दिलाएगा मैंने बोला कि मेरे पास है का मैं बीस रुपए में ये बेच देता हूं तू मुझे 20 रुपया दे कंपनी को वन ट्वेंटी देना और तेरे को तेरा शेयर मिल जाएगा सो बेटा नीरज ने 2000 शेयर का राइट्स रिनाउंस किया है नीरज ने 2000 शेयर का राइट्स रिनाउंस किया है बेटा ये जो रिनाउंस राइट है ना वो इन एसेट है दो इन टैंजिबल एसेट तो जब मुझे ट्वेंटी रुपीज मिलेगा रिनाउंसमेंट पेट इज माई कैपिटल खरीदना नहीं पड़ा था ये आपको फ्री में, फ्री में मिले थे वापस से रिपीट कर रहा हूं अगर आपके पास राइट शेयर है आपने राइट एक्सरसाइज किया तो एक्सरसाइज प्राइस वन ट्वेंटी बट अगर आपने राइट रिनाउंस कर दिया सीओ तो ए उसका जीरो हो गया और जो बीस रुपया आपको मिला है फोकट का वो आपके लिए कैपिटल हो गया। जब आपका दोस्त फ्यूचर में शेयर्स बेचेगा तो बेटा उसके लिए कॉस्ट क्या होएगा? उसके लिए कॉस्ट वन ट्वेंटी जो उसने कंपनी को पे किया प्लस ट्वेंटी जो उसने नीरज को पे किया फॉर हिम द कॉस्ट विल बी वन तो मैंने एक्सरसाइज किया तो माई कॉस्ट इज वन ट्वेंटी मैंने रिनाउंस किया ट्वेंटी में तो ट्वेंटी पूरा कैपिटल गेन्स और मेरे फ्रेंड ने जिसने मेरे से शेयर्स खरीदा उसका कॉस्ट विल बी वन 120 वन ट्वेंटी कंपनी को पे किया प्लस ट्वेंटी रुपीज नीरज को पे किया बराबर है सो दैट इज योर सीओ है इन जनरल कोई भी एसेट टू थाउजेंड वन के पहले का है तो विच एवर इज हायर लेना है बोनस का सीओ है जीरो है राइट्स एंटाइटलमेंट का सीओ एस जीरो आधे लोगों को राइट्स एंटाइटलमेंट ही नहीं समझता है राइट्स एंटाइटलमेंट मतलब राइट right शेयर आया था बट वो एक्सरसाइज करने के बदले मैंने बीस रुपए के प्रीमियम पे किसी को दे दिया तो बेटा जो प्रीमियम आपको मिला है ट्वेंटी वो राइट्स एंटाइटलमेंट का मिला है विच इज एन इनटैजिबल एसेट उसका कॉस्ट जीरो है पूरा ट्वेंटी रुपीज कैपिटल गेंस में जाएगा एंड ऑन so बराबर इतना पॉइंट क्लियर है इतना पॉइंट क्लियर है नहीं बेटा मॉड्यूल से हटा दिया एनआर के नॉन रेसिडेंट वाला क्लॉज ही हटा दिया ओके okay. सर अभी क्या हो गया पहले तो बेटा ये आगे बढ़ने से पहले समझो प्लीज अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स या यूलिप है सो तो अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स या यूलिप है अगर आपने उसको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा है और अगर आपने उसके ऊपर बाइंग एंड सेलिंग दोनों पे एस टी टी पे किया है सो इक्विटी शेयर इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स या यूलिप है और ये बेटा आपने बेचा है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इसके ऊपर आपने एस टी टी पे किया है तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बोला है कि अगर आपने ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है तो वन वन टू ए में जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है तो ट्रिपल वन ए में जाएगा सो व्हाट इज वन वन टू ए एंड व्हाट इज ट्रिपल वन ए पहले वो समझो इक्विटी शेयर्स इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच एस टी टी हेज बीन पेड तो बेटा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है अप टू वन लाख एक्जेमट है मोर देन वन लाख पे फ्लैट टेन परसेंट आएगा नो इंडेक्सेशन बट अगर यही चीज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है तो ट्रिपल वन ए में फ्लैट फिफ्टीन परसेंट आएगा तो वन वन टू ए शॉर्ट टर्म है तो ट्रिपल वन है, तो है ये बेटा इंपॉर्टेंट है because नया amendment आया था 18 में बहुत सालों बाद पे क्या है वापस से बोलोगे बेटा 112 जापे ट्रिगर होएगा अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये रूल सिर्फ उधर एप्लीकेबल होने के लिए, लिए लिस्टेड शेयर्स चाहिए आर एस सी के थ्रू बेचना है एस टी डी पे करना है सो वन वन टू ए सर ट्रिगर होएगा तो क्या प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं है अमेंडमेंट आने के बाद अगर आपने शेयर्स खरीदा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है अमेंडमेंट क्या भी आया था 1st फेब 2018 को बेटा कुछ भी मैं फालतू बोल रहा हूं वैलेंटाइन डे का डेट है 1st फेब 2018 बराबर है सो so अगर आपने लिस्टेड शेयर फेब 18 के बाद खरीदे तो नॉर्मल परचेस प्राइस तो बेटा मैंने आज के दिन में रिलायंस खरीदा तीन का तो मेरे लिए सीओ विल बी तीन 2019 में रिलायंस खरीदा था 2500 में तो सीओई विल बी 2500 अगर 2018 फेब 18 के पहले वैलेंटाइन डे कभी आता है फेब 2018 में पहली बार आया था कुछ भी बोल रहा हूं याद हो जाएगा बराबर है अगर फर्स्ट फेब 2018 के पहले अगर आपने लिस्टेड शेयर्स खरीदे हैं जो 112A में जाते हैं तो बेटा ऑलवेज रिमेंबर द गोल्डन रूल व्हिच एवर इज लोअर एंड व्हिच एवर इज हायर गोल्डन रूल इज व्हिचएवर इज लोअर एंड व्हिचएवर इज हायर सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन फेब 2018 ये दोनों में से व्हिचएवर इज लोअर लेना है व्हिचएवर इज लोअर को एक्चुअल प्राइस से कंपेयर करना है जो भी हायर रहेगा वो सीओए बन जाएगा सर कैसे कंप्यूट करना है सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन फर्स्ट फेब 18 व्हिचएवर इज लोअर कंपेयर टू एक्चुअल प्राइस व्हिचएवर इज हायर सर क्या बोल रहे हो सर बेटा 2005 में मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा था लिस्टेडीशन से हजार रुपए में फेयर मार्केट अमेंडमेंट आया उस दिन फेब 18 में और सेलिंग प्राइस था सेवन थाउजेंड तो बेटा अगर कैपिटल गेन का सम आया तो एफ मतलब सेलिंग प्राइस होता है जो अपना सात हजार सात हजार है सर विल बी सीओ है सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में से लोअर पांच हजार रुपया कंपेयर टू एक्चुअल प्राइस दोनों में से हायर पांच हजार रुपया तो सीओ ए पांच हजार हो जाएगा दो हजार पे कैपिटल गेन टैक्स आएगा सीओ ए पांच हजार सर कैसे आया सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लो सॉरी विच एवर इज लोअर विच इज फाइव थाउजेंड लोअर को कंपेयर किया एक्चुअल प्राइस से विच एवर इज हायर अगेन फाइव थाउजेंड तो आंसर विल बी फाइव थाउजेंड सर रिलायंस का शेयर हजार में खरीदा फेयर मार्केट वैल्यू था पांच हजार जब बेचा तो फोर थाउजेंड में बेचा तो बेटा एफवीओसी तो चार हजार हो गया सेलिंग प्राइस परचेज प्राइस क्या रहेगा सेलिंग प्राइस और एफ एम बी विच एवर इज वॉट हायर सॉरी विच एवर इज क्या बोला लोअर लोअर चार हजार लोअर और वन थाउजेंड विच एवर इज हायर आंसर क्या रहेगा चार हजार तो कैपिटल गेन विल बी जीरो कैपिटल गेन विल बी जीरो वापस से रिपीट हूं लास्ट एग्जाम्पल बेटा हस, दस हजार में रिलायंस का शेयर लिया था अमेंडमेंट के दिन पे फेयर मार्केट वैल्यू पांच हजार हो गया अगस्त में सात हजार हो गया अब जब बेचूंगा तो सात हजार में बेचूंगा तो वो एफ बन गया सीओ क्या लू सेलिंग प्राइस और एफ एम विच एवर इज लोअर फाइव थाउजेंड विचेवर इज लोअर कंपेयर टू परचेज प्राइस विच एवर इज हायर टेन तो टेन थाउजेंड बन गया जो भी थ्री थाउजेंड है वो लॉस में आपको कैपिटल लॉस सेट ऑफ कर सकते हो बराबर है सो so, ये सिर्फ और सिर्फ पहले तो याद रखना वन वन टू ए में एप्लीकेबल रूल है सर वन वन टू ए कभी आएगा इक्विटी शेयर सोल्ड थ्रू आर एस सी पेड एस टी टी तो वन वन टू ए आएगा लॉन्ग टर्म पे वन वन टू ए अगर एप्लीकेबल है तो लोअर एंड हायर लोअर एंड हायर सेलिंग प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर कंपेर टू परचेज प्राइस विच एवर इज हायर विल बी सी ओ ए फेयर मार्केट वैल्यू कौन से डे का लेना है फर्स्ट फेब टू थाउजेंड एंड एटीन फर्स्ट फेब टू थाउजेंड एंड एटीन आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा ये सो नो सब लोग बोलो ना बेटा एक यस बोलने में कितना टाइम जाता है या नो बोलने में कितना टाइम जाता है ओके चलो बेटा कमेंट कर सकते हो फॉर्मेट पढ़ रहा था एफ मतलब जितना पैसा आया उतना इमूवेबल प्रॉपर्टी और इक्विटी शेयर में वा हायर वाला रूल है ट्रांसफर एक्सपेंस सारे माइनस हो को छोड़ के सीओ अपना नॉर्मल सम परचेस प्राइस प्लस एक्सपेंसेस 2001 के पहले लिया है तो फेयर मार्केट वैल्यू और परचेज प्राइस एवर इज हायर इमुबल प्रॉपर्टी में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को एक्सीड नहीं होना चाहिए सीओ ए में अगर ट्रिगर हो रहा है और फेब के पहले का शेयर है तो सेलिंग प्राइस एफ एम बी विचेवर इज लोअर कंपेयर टू परचेज प्राइस विच एवर इज हायर बोनस शेयर का कॉस्ट जीरो होता है बट टू थाउजेंड वन के पहले लिया तो टू फेयर मार्केट वैल्यू होगा राइट शेयर मैंने एक्सरसाइज किया तो एक्सरसाइज प्राइस इज सीओ ए अगर मैंने राइट शेयर रिनाउंस किया तो रिनाउंसमेंट पे बीस रुपया मिला पूरा कैपिटल गेन सामने वाले का डिडक्शन नहीं मिलेगा एंड बाकी सब ठीक है बेटा इंडेक्सेशन कभी मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में इंडेक्सेशन मिलता है बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा अगर सैड एसेट है तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा वापस से बोल रहा हूं सीओ ए और आईसीओ ए आईसीओ ए का मतलब इंडेक्सेशन सर इंडेक्सेशन कभी मिलता है लॉन्ग टर्म पे मिलता है सैड पे नहीं मिलेगा सैड मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा स्लम सेल पे नहीं मिलेगा स्लम सेल क्या होता है देख लेंगे बाद में वन वन टू ए पे नहीं मिलेगा अभी जो इक्विटी शेयर वाला एग्जाम्पल पड़ा था डिप्रिशिएबल एसेट पे नहीं मिलेगा

वापस से बोल रहा हूं एक दो साल में कोई डिफरेंस नहीं होता है बट अगर बेटा आपने तीन साल या बारह महीने से ज्यादा एसेट होल्ड किए हैं तो टाइम वैल्यू में डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो इसके लिए हम लोग इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने को दे देंगे सर क्या बोल रहे हो सर ये सब प्लीज एक्टिव रह के बोलना मैंने क्या किया था बराबर है मैंने बेटा 2010 11 में पचास लाख रुपया देकर एक प्रॉपर्टी खरीदा था और 2023-24 में मैंने क्या किया 348 इंडेक्सेशन जब था तब प्रॉपर्टी बेच दिया तो बेटा जब 50 लाख में मैंने प्रॉपर्टी खरीदा था तब इंडिया का इंडेक्सेशन 167 था आज जब मैं बेच रहा हूं तो इंडेक्सेशन 348 हो गया तो आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है सी आई आई ऑफ यॉट अपॉन यॉप सी आई आई ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन ईयर ऑफ परचेस टीपी टाइम पास याद रखो प्लीज टाइम पास बराबर है तो आईसीओ ए मतलब आपको कॉस्ट को इनफ्लेशन से एडजस्ट करना है इनफ्लेशन से एडजस्ट करने के लिए गवर्नमेंट बोलता है आपको कॉस्ट में यॉट अपॉन यॉप यॉट मतलब ईयर ऑफ ट्रांसफर यॉप मतलब ईयर ऑफ परचेस बट सैड में यह सब नहीं होगा स्लम सेल शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वन टू ए डिप्रीशियबल एंड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर यह सब माइनस नहीं होने वाला है COI मतलब बेटा अगर मैंने आंसर ज... बोलना आंसर आंसर बोलना बेटा मैंने एक करोड़ में जमीन खरीदी तो ये एक करोड़ सीओ ए हुआ या आई या क्या हुआ सीओ ए या सीओ आई एक करोड़ में जमीन खरीदी तो ये क्या हो गया अपने लिए सीओ ए फिर ये जमीन पे बेटा मैंने बिल्डिंग बनाया एक साल दो साल के बाद बिल्डिंग बनाया तो ये जो बिल्डिंग बनाया दो करोड़ रुपए का बेटा वो हो गया सीओ आई सो जमीन खरीदी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसके ऊपर बिल्डिंग बनाया तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है मैंने क्या किया जमीन के साथ ही बिल्डिंग मतलब जो अपन नॉर्मल फ्लैट खरीदते हैं बेटा वो तीन करोड़ में खरीदा तो ये तीन करोड़ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया फ्लैट खरीदने के बाद उसके ऊपर और एक फ्लोर ऐड किया एक करोड़ रुपया खर्चा करके तो एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया अब यहां पे छोटा मोटा लीकेज था लीकेज ठीक कराया तो ये कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट नहीं है मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने अपने एसेट्स पे किए हुए नया फ्लोर ऐड करना पुराने बिल्डिंग को डिमोलिश करके नया बिल्डिंग बनाना ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका सीओ माइनस कर सकते हो छोटे मोटे खर्चे का माइनस नहीं कर सकते हो तो सीओ आई आईसीओ आई बोथ आर अलाउड एज डिडक्शन बट जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2001 से पहले किया है वो इग्नोर करना है बराबर है अगर परचेस 2001 के पहले किया है तो फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल प्राइस विच एवर इज हायर होता है बट इंप्रूवमेंट 2001 के पहले किया है तो इग्नोर करना है बिकॉज एफ में सब ऑलरेडी इंक्लूड हो गया होगा बराबर है हाँ सीओ आई में भी इंडेक्सेशन मिलेगा दोनों को अलग अलग करना है सीओ आई का ईयर अलग होता है सीओ आई का ईयर अलग होता है तो कम साथ में कम, दोनों का टोटल करके मत करना अलग अलग से कंप्यूट करना वही सेम फॉर्मूला है सी आई आई ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन सी आई आई ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट यॉट अपॉन योई सो बेटा फॉर्मेट पहले तो डेफिनेशन पढ़ा है कैपिटल एसेट क्या होता है ट्रांसफर क्या होता है सरक सरक सेल एक्सचेंज सी एक्विजिशन एंड कन्वर्जन अगर कैपिटल एसेट है कैपिटल ट्रांसफर किया है, तो कैपिटल गेंस आएगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए थर्टी सिक्स मंथस है शूज के लिए ट्वेल्व मंथस है और इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर के लिए ट्वेंटी फोर मंथस है कंप्यूटेशन का फॉर्मेट फिक्स है एफ माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस नेट कंसीडरेशन सीओए या तो आईसीओए सीओआई या तो आईसीओआई ICO आईसीओए का फुल फॉर्म है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म में मिलता है बट सैड में नहीं मिलेगा स्लम सेल लिस्टेड शेयर्स सॉरी स्लम सेल शॉर्ट टर्म वन वन एंड डिबेंशन एंड एसेट नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन इज योप और योट अपॉन योई ऑफ़ ट्रांसफर अपॉन ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट गोल्डन रूल है यॉट इज इक्वल टू यॉट ईयर ऑफ टैक्सेशन इज इक्वल टू ईयर ऑफ ट्रांसफर बट चार जगह पे रूल चेंज होएगा जो अपन आगे पढ़ लेंगे